गार्डनिंग में छोटा छोटा काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जितना इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के लिए खाद पानी देना, मेडिसिन का स्प्रे करना, फंगिसाइड का स्प्रे करना, फंगिसाइड मिट्टी में डालना, तरह तरह के फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। कभी कभी प्लांट हमारा ज़्यादा फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है। आज का वीडियो में ऐसे कुछ छोटा छोटा काम आपको दिखाऊंगी जो नेचुरल तरीके से प्लांट में एनर्जी बूस्टर का काम करता है और प्लांट में प्लांट का हेल्थ ग्रोथ बहुत ही अच्छा से होता है। और प्लांट में जब हेल्थ ग्रोथ अच्छा होता है प्लांट आपको अच्छा अच्छा फूल भी खिला के देंगे, अच्छा फ्रूटिंग भी होगा, वेजिटेबल ग्रोथ भी आपको मिलेगा। नंबर वन, आपको क्या करना है, नंबर वन पे आपको करना है पिंचिंग और जो डेड फ्लावर है उसको कटिंग करना। पिंचिंग आपको तब करना है जब प्लांट आपका बहुत ही छोटा रहेगा और उस टाइम जो न्यू बर्ड्स आएगा उसको हटाना है पिंचिंग करके। इससे क्या होगा, इससे होगा आपका प्लांट बहुत ही घना हो जाएगा और जितना प्लांट आपको घना होगा उतना ही फूल आपको मिलेगा। फूल एक बार खिल जाने के बाद उसको नीचे से आपको हटाना है। नीचे से मतलब जहाँ से बर्ड्स बनना स्टार्ट हुआ है वहाँ से आपको हटाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका प्लांट में न्यू एनर्जी क्रिएट होगा, प्लांट में बीज नहीं बन पाएगा और प्लांट न्यू एनर्जी के साथ न्यू बर्ड्स खिलाते रहेगा। सूखे हुए फूल को आप नहीं हटाएंगे तो प्लांट समझेगा कि उसका लाइफ साइकिल खत्म हो गए, अब उसका काम क्या है, वो बीज बनाने में लग जाएगा और आपका प्लांट धीरे धीरे सूख जाएगा और खराब हो जाएगा। ये फुल डेड हेडिंग का काम आपका विंटर गार्डन के लिए मस्ट है। जैसे पिटोनिया हो गए, साल्विया हो गए, डायनथस हो गए, जेरेनियम हो गए, डहलिया हो गए, क्रिसेंथेमम हो गए, जितना सारा विंटर फ्लावर है आपको डेड हेडिंग का काम कंटिन्यू करना है। जितना ही आप सूखे फूल हटाएंगे प्लांट का एनर्जी बर्ड्स बनाने में लगेगा। आप फर्टिलाइजर देंगे नहीं देंगे उसमें प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्टिलाइजर देंगे तो ज़्यादा बर्ड्स बनेगा, फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो प्लांट अपने आप फूल तो खिलाते रहेगा पर कम खिलाते रहेगा। पर आप डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपका बर्ड्स नहीं बन पाएगा। तो पहले काम हो गए डेड हेडिंग। नेक्स्ट है प्लांट को सपोर्ट देना। देखिए ये मेरा क्रिसेंथेमम का प्लांट है और इसमें कितना बर्ड्स बना है, फूल खिला है तो ये अपने आप झुक गए। तो हमको क्या करना है, इस टाइप का प्लांट जब हो गए तो इसको सपोर्ट देना है। जो वाइन वैरायटी का परमानेंट प्लांट होता है उसका भी सपोर्ट देना है। मतलब जो जो प्लांट का सपोर्ट का नीड होता है सभी को आपको सपोर्ट देना जरूरी है, नहीं तो प्लांट आपका बिखर जाएगा, इधर उधर से प्लांट चलना शुरू करेगा। प्लांट में न्यूट्रिशन का भी कमी हो जाता है, प्लांट में न्यूट्रिशन बराबर मात्रा पे हर जगह पे नहीं पहुंचता है। तो प्लांट सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आजकल मार्केट में ऑनलाइन में आपको तरह तरह के प्लांट सपोर्ट भी मिल रहे हैं, स्पेशली गमले वाला प्लांट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है गार्डनिंग में बहुत ही पेशेंस का ज़रूरत होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गुलाब का एक प्लांट है, सारा पत्ता झड़ गए हैं, सिर्फ एक मेन स्टेम ही बचा हुआ है। काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने इसमें तरह तरह के कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ा सा सरसों का खली और राख का प्रयोग मैंने इसमें किया है और मैंने वेट किया है कि कब न्यू ग्रोथ चालू हो जाएगा और रिजल्ट आपका सामने है। प्लांट में आपको हफ्ता में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे, नहीं तो आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो हल्का सा पानी में सोप डाल के भी आप स्प्रे कर सकते हो, तो इस टाइप का जो चिपचिपा सा कीड़ा मकोड़ा होता है वो भी चला जाएगा। प्लांट में जब सूखे पत्ता बन जाता है, सूखा टहनिया बन जाता है, उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका प्लांट में कभी फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा, प्लांट हेल्दी रहेगा, हरा भरा रहेगा। मिट्टी का गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। मिट्टी का गुड़ाई करने से क्या होता है, कोई इन्फेक्शन मिट्टी में पैदा हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो अच्छे से हवा लगने से, धूप लगने से वो नेचुरल तरीका से चला जाता है, ठीक हो जाता है। गुड़ाई के बाद जब मिट्टी एयरी बनता है उसमें एरिएशन बहुत अच्छे से होता है और प्लांट अच्छे से सांस ले पाता है। कितना अनवांटेड वीड्स हो जाता है, खरपतवार हो जाते हैं, उनको भी हटाना ज़रूरी है, नहीं तो सारा न्यूट्रिशन ये छोटे छोटे प्लांट सक कर लेते हैं, आपका मेन प्लांट में कोई न्यूट्रिशन पहुंचता नहीं है। तो ज़रूर इसको हटाया दिया करिए और आपका अच्छे से गुड़ाई करिए, देखना आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से चल पड़ेगा।
गुड़ाई करने के साथ साथ मिट्टी में आप हल्दी पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हो, तो ये नेचुरल तरीका से मिट्टी में कोई डिजीज हो तो वो भी चला जाएगा। ये गेंदे का पौधा कितना फ्रेश लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पास जब पास में जाके मैं इसका सारा क्लीन करने के लिए कोशिश करूंगी, जैसे डेड फ्लावर हो गए, डेड लीव्स हो गए, मिट्टी में जो खरपतवार हो गए वो हो गए, अनवांटेड चीज़ हो गए, कोई डेड ब्रांचेस हो गए, सारा हमको हटाना है कटिंग करके और एकदम प्लांट को नीट एंड क्लीन करना है, तो प्लांट बहुत ही अच्छा से चल पाएगा, इसमें कोई डिजीज़ अटैक हो ही नहीं पाएगा। के बाद आते हैं फ्रेंड्स लोकेशन के बारे में। जो प्लांट का अच्छा धूप चाहिए, आपको धूप दिखाना है अच्छा से, जिसको कम धूप चाहिए तो उसको कम धूप वाले जगह पे शिफ्ट करना है, तो इस तरीके से आपको प्लांट का नीड अकॉर्डिंग उसके साथ उसका प्लेसिंग को चुनना है। और लास्ट में आती हूँ फ्रेंड शावरिंग के बारे में। शावरिंग प्लांट को बहुत ही अच्छा लगता है, जब आप देखे होंगे बारिश का मौसम में प्लांट कितना खुश देखने में लगता है, इसके कारण है शावरिंग। जब प्लांट का लीव्स बहुत ही डार्टी दिखे, बहुत ही गंदगी दिखे, तो प्लांट को आप फूल को छोड़ के लीव्स में अच्छा से तरीका से आपको शावरिंग करके प्लांट को पानी देना है। तो इसी तरीके से आप गार्डन को मेंटेन करिए, प्लांट को देखभाल करिए फ्रेंड्स। बहुत कम फर्टिलाइज़र आपको नीड होगा और बहुत ही कम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपका गार्डन के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे ही छोटा छोटा काम करके आप प्लांट को खुश रख सकते हो, और प्लांट खुश रहे तो बाकी जैसे फूटिंग हो गए, फ्लावरिंग हो गए, वेजिटेटिव ग्रोथ हो गए, बहुत बढ़िया तरीके से चल पड़ेगा। आप एक बार प्लीज़ करके देखिए और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगा आज का वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर लेना, और मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हो, कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।